हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी। टुडे वी विल डिस्कस्ड अबाउट सर्जिकल मेथड और स्टेरलाइजेशन। बच्चों, इससे पहले हम लोगों ने कई टॉपिक क्लियर कर लिया है, ओके, कि कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में, कौन कौन से कंट्रासेप्टिव का हम लोग यूज़ करते हैं, कैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फीमेल के लिए कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, मेल के लिए कौन कौन से बैरियर्स होते हैं, जो स्पर्म एंड ओवम को आपस में फ्यूज़ न होने दे पाएँ, ठीक है। इस बैरियर के बारे में हम लोग बात किए हैं। आज हम लोग बात करेंगे सर्जिकल मेथड के बारे में, जिसको स्टेरलाइजेशन के बारे में, स्टेरलाइजेशन भी कहते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसमें बच्चों होता क्या है, सबसे पहली बात तो ये मेल एंड फीमेल दोनों में ये कराया जाता है। और ये किस लिए कराया जाता है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पॉपुलेशन को डे पर डे बढ़ाते ही जा रहे हैं, और डे पर डे आपको तो पता ही है कि बढ़ता ही जा रहा है। इंडिया की जनसंख्या देख सकते हैं आप लोग, लगभग चीन की जनसंख्या के बराबर बराबर होने ही वाली है, और उससे भी आगे निकल जाएगी आने वाले समय में, ठीक है। तो ये सर्जिकल मेथड एक ऐसा मेथड होता है, इसमें मेल का जो स्पर्म बाहर रिलीज होता है, उसमें उसका जो वास डिफरेंस पार्ट होता है, वास डिफरेंस यानी कि जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको कट कर दिया जाता है। कट करके वहीं पे उसको बांध दिया जाता है ताकि स्पर्म बाहर रिलीज ना हो पाए, और अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो भी रहा है तो स्पर्म पेनिस के मीडियम से बाहर ना निकल पाए, इसलिए सर्जिकल मेथड की नीड होती है। और फीमेल्स के अंदर भी सेम ऐसे ही प्रोसेस होता है। उसमें क्या होता है, फीमेल्स का जो ओविडक्ट होता है, मीन्स फैलोपियन ट्यूब, उसको काट के वहीं पे बांध दिया जाता है, ताकि अगर एग्स पूरी तरह से मेच्योर हो के अगर निकल भी रहा है, स्टमक जंक्शन पे वेट भी कर रहा है, लेकिन स्टमक जंक्शन के आगे का पार्ट को काट के वहीं पे बांध दिया जाएगा, ताकि वो जो है आगे की ओर ना बढ़े और मेल का जो स्पर्म है उससे फ्यूज़ न कर पाए, ठीक है। इसलिए सर्जिकल मेथड की नीड पड़ती है। और सर्जिकल मेथड का मतलब देखिए, आप यहाँ पे दो तरह का पढ़ेंगे, एक वैसेक्टोमी, एक ट्यूबेक्टोमी। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि सर्जिकल मेथड होता क्या है, स्टरलाइजेशन क्या होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इट हेल्प टू ब्लॉक गैमिट। ये सबसे पहले गैमिट को ये ब्लॉक कर देगा, ठीक है। ये गैमिट पार्ट को, जो गैमिट होता है मेल एंड फीमेल का जो गैमिट होता है, उसको ब्लड ब्लॉक कर देगा ट्रांसपोर्ट, एंड देयर बाई प्रिवेंट द कंसेप्शन, ओके। नेक्स्ट है बच्चों, इट इज़ वेरी इफेक्टिव। ये बहुत ही इफेक्टिव होता है, बट रिवर्सिबिलिटी इन पुअर। इसका मतलब अगर एक बार, मतलब कि ये हुआ कि अगर एक बार इसको अगर कट कर दिया गया तो दोबारा इसको जोड़ना मुश्किल हो जाता है, ठीक है, मुश्किल हो जाता है। बच्चों ये दो तरह का होता है, एक होता है टाइप्स ऑफ सर्जिकल मेथड में वैसेक्टोमी, जो कि मेल के अंदर कराया जाता है, एंड दूसरा जो होता है जिसको कहते हैं ट्यूबेक्टोमी, जो कि फीमेल के अंदर कराया जाता है, ओके बच्चों। तो चलिए हम लोग बात करते हैं सबसे पहला मेथड के बारे में, जिसका नाम है वैसेक्टोमी, ठीक है। वैसेक्टोमी जो प्रोसेस होता है बच्चों, ये मेल के अंदर होता है। इसमें बच्चों किया क्या जाता है, आप देख सकते हो, ठीक है। जो टेस्टिस का पार्ट है, मीन्स ये आप देख रहे हैं, ये जो टेस्टिस का पार्ट है, इसके बाहर एक स्क्रोटम लेयर होता है, ठीक है, एक बहुत ही थीन लेयर होता है जिसका नाम है स्क्रोटम। उसको कट करके, यानी कि उसको ऐसे कट किया जाता है, कट करने के बाद से जो इसका वास डिफरेंस आपको दिख रहा है इधर का और इधर का, जहाँ से स्पर्म ट्रांसफ़र होता है, ठीक है, और यहाँ से होते हुए पेनिस के मीडियम से, आप देख सकते हैं यहाँ से होते हुए पेनिस के मीडियम से बाहर निकल जाता है। तो इसमें किया क्या जाता है बच्चों, सबसे पहली बात तो इसका जो वास डिफरेंस है, यहाँ से यानी लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों साइड को कट करके और वहीं पर बांध दिया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से अगर इससे यहाँ से स्पर्म अगर निकलना भी चाहता है, फर्टिलाइजेशन यानी रिप्रोडक्शन के समय अगर निकलना भी चाहता है, तो यहाँ से बस यहीं तक जा पाएगा, इस रास्ते में नहीं पहुँच पाएगा। जब यहाँ इस रास्ते से नहीं पहुँच पाएगा तो मेल के पेनी से बाहर भी नहीं निकल पाएगा, और वह आके यहीं पर पूरी तरह से ब्लॉक हो जाएगा, ओके बच्चों। आप देख सकते हो, अगर स्पर्म सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है, अगर स्पर्म यहाँ से टेस्टिस से इस वास डिफरेंस पार्ट से यहाँ जा रहा है, यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहीं पे जाके ये पूरी तरह से स्टॉप हो जाएगा, ये यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा, यानी कि जब यहाँ पे जाएगा ही नहीं, यानी कि इस पार्ट पे नहीं जाएगा तो इसका जो है ट्रांसफ़र मेल के पेनिस के द्वारा होगा नहीं, ठीक है, यहीं पे पूरी तरह से ये स्टॉप हो जाएगा, ओके। इस प्रोसेस को कहते हैं सर्जिकल मेथड में सबसे पहला है मेल के अंदर वैसेक्टोमी प्रोसेस, ठीक है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो, इस टेस्टिस पार्ट को आप देख रहे हो, स्क्रोटम के ज़रिए यहाँ से इसको इंसिजन से काट दिया जाता है, मीन्स इसको काट के और वहीं पर इसको बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ नहीं पहुँच पाता और पेनिस के मीडियम से बाहर नहीं निकल पाता है, इस बात को याद रखिएगा। इस प्रोसेस को वैसेक्टोमी कहते हैं। वैसेक्टोमी प्रोसेस मेल के अंदर होता है, ठीक है। इसमें
वैसेक्टोमी प्रोसेस में मेल के वास डिफरेंस को कट करके वहीं पे बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म वास डिफरेंस से होते हुए पेनिस पार्ट में नहीं पहुंच पाता है और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होती है। ओके बच्चों, तो चलिए इस प्रोसेस के बारे में थोड़ा सा हम लोग पढ़ लेते हैं, यहाँ पर ध्यान से सभी लोग समझेंगे। स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन मेल, ये जो होता है मेल के अंदर ये प्रोसीजर किया जाता है। इन दिस स्मॉल पार्ट ऑफ द वास डिफरेंस इज रिमूव्ड, इस प्रोसेस में क्या किया जाता है कि वास डिफरेंस के पार्ट को थोड़ा सा काट के हटा दिए निकाल दिया जाता है और टाइट या उसको बांध दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे बांधा गया है दोनों तरफ, इधर भी और उधर भी। ठीक है, यहाँ पे बांध दिया गया है थ्रू अ स्मॉल इंसिजन, एक थोड़ा सा कट किया जाता है। कहाँ पे? द स्क्रोटम, यानी स्क्रोटम जो इसके बाहर का लेयर होता है ये इसको कट करके और उसके बाद से यहाँ से इंसिजन के मीडियम से इसको यहाँ पे इंसिजन कर दिया जाता है, काट दिया जाता है, काट के वहीं पे बांध दिया जाता है। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं इसको कट के बांध दिया जाता है ये वास डिफरेंस को। इस प्रोसेस को बच्चों वैसेक्टॉमी कहते हैं, हिंदी में बच्चों इसको कहा जाता है नसबंदी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ ये बात आप लोगों को सबको समझ में आ गया होगा। अब दूसरा हम लोग बात करेंगे ट्यूबेक्टॉमी के बारे में। तो बच्चों आइए ट्यूबेक्टॉमी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले तो आप समझ लीजिए ट्यूबेक्टोमी जो प्रोसेस है, ट्यूबेक्टोमी ये फीमेल्स के अंदर किया जाता है। ठीक है ना, यानी फीमेल्स के अंदर। ठीक है, फीमेल्स के अंदर ये ट्यूबेक्टोमी का प्रोसेस किया जाता है। ट्यूबेक्टोमी का मतलब वो इसका हिंदी होता है नलबंदी। इसमें बच्चों किया क्या जाता है, ध्यान से सभी लोग समझिए। इसमें जो आपको ये पूरी तरह से फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दिख रहा होगा, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, ठीक है, सिस्टम ये दिख रहा होगा, ये आपको दिख रहा है ओवरी। ओवरी से आपको पता है कि ये पार्ट आपको दिख रहा है फाइलोपियन ट्यूब का। ठीक है, ये पार्ट आपको दिख रहा होगा फाइलोपियन ट्यूब का। ठीक है, इस फाइलोपियन ट्यूब से होते हुए जो एक से यहाँ पे जाके स्टमक जंक्शन के पास यहाँ पे वेट करने लगते हैं मेल के स्पर्म का, और जैसे ही मेल का स्पर्म यहाँ पे पहुँचता है दोनों फ्यूज हो जाता है और जायगोट बन जाता है और फीमेल प्रेग्नेंट हो जाती है। लेकिन बच्चों इस प्रोसेस में होता क्या है, इसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, फाइलोपियन ट्यूब का जो पाथ है उसको यहाँ से और यहाँ से, मतलब कि यहाँ से कट कर दिया जाएगा, यहाँ से भी कट कर दिया जाएगा, और कट करने के बाद से आप देख सकते हैं यहाँ पे बांध दिया जाएगा इसको अलग और इसको अलग, यानी कि इसको काट के बांध दिया जाएगा फाइलोपियन ट्यूब को। अगर ओवरी से एक्स बाहर निकल भी रहा है तो यहाँ से जाएगा यहाँ पर आकर वेट करेगा, यहाँ से भी मान लीजिए आ गया यहाँ पे वेट कर रहा है। वेट करने के बाद से मेल का अगर स्पर्म इसके सर्विक्स मीडियम से अगर आ भी गया तो आने के बाद से वो यहीं तक पहुँच पाएगा, इससे मिल नहीं पाएगा, यानी कि जो यहाँ पे एग है इससे ये नहीं फ्यूज़ कर पाएगा। तो जब फ्यूज़ नहीं करेगा तो जायगोट नहीं बनेगा, जायगोट नहीं बनेगा तो फीमेल प्रेग्नेंट नहीं होगी। दिस प्रोसेस इज नोन एज ट्यूबेक्टॉमी। ओके बच्चों, अब इसको समझिए, स्टरलाइजेशन प्रोसीजर इन फीमेल, ये फीमेल के अंदर ये प्रोसीजर को अपनाया जाता है। इन दिस यानी इसमें स्मॉल पार्ट ऑफ फाइलोपियन ट्यूब इज रिमूव, ठीक है, इसमें से एक छोटा सा फाइलोपियन ट्यूब का पार्ट काट के निकाल दिया जाता है या उसको उस वहीं पे बांध दिया जाता है थ्रू अ स्मॉल इंसीजन। ठीक है ना, थ्रू अ स्मॉल इंसीजन। ओके डियर स्टूडेंट, एक छोटे से इंसीजन के माध्यम से उसको बांध दिया जाता है वहाँ पे। और ये कहाँ से प्रोसेस स्टार्ट किया जाता है, एब्डोमेन पार्ट के नीचे जो मान लीजिए ये वेजाइना पोर्शन होता है, वेजाइनल पोर्शन से उसको यानी वेजाइना के अंदर से उसको क्या किया जाता है, फाइलोपियन ट्यूब को कट करके वहीं पे उसको बांध दिया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे ख्याल से आपको ये बात समझ में आ गया होगा कि ट्यूबेक्टोमी एंड वैसेक्टोमी प्रोसेस क्या होता है। ठीक है, इसे सर्जिकल मेथड के नाम से भी हम लोग जानते हैं। वैसेक्टोमी में बच्चों एक बार और समझ लीजिए, वैसेक्टोमी प्रोसेस में मेल के जो टेस्टिस से होते हुए जाता है वास डिफरेंस, उस पार्ट को वास डिफरेंस को काट के वहीं पे बांध दिया जाता है। फीमेल के अंदर ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस होता है, उसमें फाइलोपियन ट्यूब को काट के वहीं पे बांध दिया जाता है, जिससे क्या होता है मेल के स्पर्म की एंट्री और फीमेल के एग्स की एंट्री पूरी तरह से ब्लॉक हो जाती है। जब ब्लॉक हो जाती है दोनों आपस में मिल नहीं पाएगा, जब नहीं मिल पाएगा तो ये फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा और फीमेल प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। ओके डियर स्टूडेंट, आज के लिए इतना ही, मेरा इससे कुछ क्वेश्चन है आपसे, आप लोग उसका आंसर देंगे। इससे थोड़ा सा हटके मैं पूछ रहा हूँ, फीमेल के अंदर जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, जब फीमेल के अंदर प्यूबर्टी स्टार्ट होती है तो उसमें कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और कौन कौन से सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर डेवलप्ड होते हैं। ठीक, दूसरा क्वेश्चन है, मेल के अंदर भी जब प्यूबर्टी फेज स्टार्ट होता है तो मेल के अंदर कौन सा हार्मोन रिलीज होता है और कौन कौन से उसके अंदर सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर आते हैं। मेरा तीसरा सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि ट्यूबेक्टोमी प्रोसेस में फीमेल के कौन से पार्ट को काट के बांधा जाता है और वैसेक्टोमी प्रोसेस में
मेल के कौन से पार्ट को काट के बांधा जाता है? इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।